हेलो एवरीवन, दिस इज जय सिंह। अगर आप एक महीने तक जिम नहीं जाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, आपकी फिटनेस कितनी नीचे आएंगी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप एक महीने तक जिम नहीं जाते तो आपके बॉडी में डी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। डी ट्रेनिंग कहने का मतलब होता है जो एक्सरसाइज करने के कारण आपको बेनिफिट्स मिले थे वो बेनिफिट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्कआउट परफॉर्म किए थे जिसके कारण आपका मसल मास बढ़ा था, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ी थी, आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ी थी। सो जब आप एक महीने तक जिम छोड़ देते हैं तो ये जो चीजें इंक्रीज हुई थी, जो फिटनेस पैरामीटर्स, फिटनेस कंपोनेंट इंक्रीज हुए थे, वो वापस आने लगते हैं। तो इसको ही हम डी ट्रेनिंग बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले दो वीडियो में एक्सप्लेन किया था इन सारे पैरामीटर्स को यूज करके कि अगर आप थोड़े दिन के लिए जिम छोड़ते हैं तो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो ठीक उसी तरह हम आज की वीडियो में यह जानेंगे कि अगर हम एक महीने तक जिम छोड़ देते हैं तो इन पैरामीटर के साथ क्या होता है, ये कितने डिक्लाइन हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। फर्स्ट पैरामीटर आता है मसल लॉस। अगर आप एक महीने तक जिम नहीं जाते तो आपका मसल लॉस होता है। यहाँ पर आपकी जो मसल साइज है वो कम होने लगती है। अब होता ऐसा है कि जब हम वेट ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, जब हम वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो यह हमारे बॉडी के लिए एक स्ट्रेस वाली कंडीशन है। और इस स्ट्रेस से निपटने के लिए हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है कि जो हमारे मसल है उनका साइज बढ़ा देती है, ताकि जो हम लोड हम डाल रहे हैं, जो प्रेशर हम अपने मसल पर डाल रहे हैं, जो वर्कलोड मसल पर आ रहा है, मसल हमारी उसको झेल सके। तो उस लोड को झेलने के लिए हमारी मसल स्ट्रांग हो जाती है, बड़ी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, अगर हम जिम नहीं जाते, फिर वर्कआउट नहीं परफॉर्म करते, तो जो हमारा मसल साइज बढ़ा हुआ है किसी पर्टिकुलर लोड को झेलने के लिए, अब उसको झेलने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि हम वर्कआउट नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर कोई लोड हमारी मसल को नहीं झेलना पड़ रहा है तो हमारी मसल खामखा वो साइज मेंटेन करके नहीं रखती है, क्योंकि हमारी मसल को उतना फोर्स नहीं पैदा करना पड़ता, उतना फोर्स नहीं जनरेट करना पड़ता। तो इसलिए क्या करती है, हमारी मसल अपने वापस नॉर्मल साइज में आ जाती है। तो इसके रिस्पॉन्स में हमारी मसल क्या करती है, अपने नॉर्मल साइज में वापस आने की कोशिश करती है, क्योंकि जो हमारा मसल होता है वो एक इलास्टिक टिश्यू होता है। ये अगर खींचेंगे तो बड़ा होगा और छोड़ देंगे तो वापस आएगा। सो सेम इसी तरह अगर हम वेट ट्रेनिंग करते रहेंगे तो हमारे जो मसल साइज है वो बढ़ती रहेगी, और अगर हम वेट ट्रेनिंग स्टॉप कर देंगे तो हमारी जो मसल साइज है वो नीचे आता रहेगा। और जब भी आपका मसल लॉस होता है तो हमारे मसल के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो हमारे मसल के फास्ट ट्विच फाइबर, जिनको हम टाइप फास्ट फाइबर बोलते हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है, उनकी जो थिकनेस है वो रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, हमारे मसल की कैपिलरी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, हमारे मसल में जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम एक्टिविटीज होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमारे वर्किंग मसल तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। और साथ ही साथ हमारे मसल का ग्लाइकोजन लेवल ड्रॉप हो जाता है, हमारे मसल का ग्लाइकोजन स्टोरेज ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे मसल फाइबर की थिकनेस है वो डिक्रीज होती रहती है, और जिसके कारण हमारे जो मसल है वो श्रिंक होती रहती है, कम होती रहती है, हमारा मसल मास डिक्रीज होता रहता है। सेकंड पैरामीटर आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ कहने का मतलब हमारी मसल कितना फोर्स जनरेट कर पाती है किसी भी वेट को लिफ्ट करने के लिए। अब क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी में मसल लॉस होगा तो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, और जब आप वापस अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे एक महीने बाद तो जो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ पहले थी उसको वापस गेन करने में आपको एक से दो हफ्ता तक लग जाता है। थर्ड पैरामीटर आता है मस्कुलर एंड्योरेंस। जब आप एक महीने तक जिम नहीं जाते तो आपका मस्कुलर एंड्योरेंस भी बहुत नीचे आ जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पर पहली बात तो आपका मसल लॉस हो गया, इसके कारण आपका मस्कुलर एंड्योरेंस नीचे आ जाता है, और दूसरा चीज़ यहाँ पर यह होता है कि जो लैक्टेट का एक्यूमुलेशन है वह भी जल्दी होता है और कम इंटेंसिटी में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कम वेट भी लिफ्ट कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में ज़्यादा लैक्टिक एसिड जमा होने लगे, जिस कारण आप ज्यादा ज्यादा रेपिटेशंस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। मस्कुलर एंड्योरेंस कहने का मतलब ये होता है कि आप एक बार में कितने ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बार में 100 पुशअप्स लगा पाते हैं, लेकिन अगर आपने एक महीने तक जिम छोड़ दिया तो जो आप 100 पुशअप्स लगा पाते थे पहले वो घट के 40-60 हो जाएंगे, या उससे भी कम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये तय बात है कि जो मस्कुलर एंड्योरेंस है, जो आपकी रेपिटेशंस है, वो नीचे आ जाएंगे, कम हो जाएंगे अगर आप एक महीने तक जिम छोड़ते हैं तो। अब आता है हमारा फोर्थ पैरामीटर जो है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। जब आप एक महीने तक जिम नहीं जाते तो आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी बहुत नीचे आने लगता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे मसल के स्लो ट्विच फाइबर है उनकी डेंसिटी कम होने लगती है, उनकी थिकनेस कम होने लगती है, और ये स्लो ट्विच फाइबर जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को प्रोसेस नहीं कर पाते, जिसके कारण जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है वो नीचे आती रहती है। और साथ ही साथ जो हमारी बॉडी का VO2 मैक्स होता है वह भी डिक्रीज होने लगता है। VO2 मैक्स कहने का मतलब हमारी बॉडी कैसे कितने अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है, सो यह भी डिक्रीज होने लगता है, जिस कारण हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है वह नीचे आती रहती है।
और यहाँ पर हमारे बॉडी का जो रेस्पायरेटरी एक्सचेंज रेशियो होता है वह भी बढ़ जाता है, जिस कारण भी हमारे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस डिक्रीज होती है। फिफ्थ पैरामीटर आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। जब आप एक महीने तक जिम नहीं जाते तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो नीचे आता रहता है। अब यहाँ पर होता यह है कि जैसे कि जब हम एक महीने तक जिम नहीं गए तो हमने कोई एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म की तो हमारा जो कैलोरीज बर्न होती थी वह बर्न नहीं हो रही, जो आफ्टर बर्न होता था वह नहीं हो रहा है, जो हमारे रिपेयरिंग वर्क होता था वो नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा मसल लॉस भी हो रहा है। और जब जब हमारा मसल लॉस होता है तो हमारा जो ये मेटाबॉलिज्म है वो नीचे आता रहता है। हमारी मसल हमारे बॉडी के लिए एक फर्नेस की तरह काम करती है, एक इंजन की तरह काम करती है। हमारी मसल ही हमारी बॉडी की बहुत सारी कैलोरीज को बर्न करती है, यही हमारे कैलोरीज को यूटिलाइज करती है। मैं यहाँ पे आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि हमारे 1 kg मसल को मेंटेन करने में बॉडी 80-150 कैलोरीज खर्च कर देती है, सिर्फ मेंटेन करने के लिए, उस मसल मास को बचाए रखने के लिए। तो जब जब आपका मसल लॉस होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म नीचे जाएगा ही, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा ही, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा ही। और जब जब आपका मेटाबॉलिज्म नीचे आ रहा है तो आपके बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वह भी डिक्रीज होता है, नीचे आ जाता है। अब आता हमारा सिक्स्थ पैरामीटर, फैट बर्निंग एबिलिटी। अब क्या होता है, जब आप एक महीने तक जिम नहीं जाते, आपका मसल लॉस हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, और जब जब ये चीजें होती हैं तो आपकी बॉडी की फैट बर्निंग एबिलिटी डिक्रीज होती रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, आपकी बॉडी का रेस्पायरेटरी एक्सचेंज रेशियो ऊपर जाता है, जिस कारण क्या होता है, हमारी बॉडी लो इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए भी फैट को ना यूटिलाइज करके ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करती है, जिस कारण हमारा जो फैट बर्निंग एबिलिटी है वो बहुत नीचे आ जाती है, हमारी बॉडी से फैट बर्न नहीं होता। और जब जब हमारी बॉडी से फैट बर्न नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में फैट स्टोर होने लगे ज़्यादा, हमारी बॉडी का फैट स्टोरेज बढ़ जाएगा। आपने भी महसूस किया होगा, अगर आप एक महीने तक जिम नहीं जाते हैं तो आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है, आपका शरीर भारी भारी सा लगता है, आपके यहाँ साइड में जिसको हम लव हैंडल बोलते हैं वो चर्बी पकड़ में आने लगती है, यहाँ पे सबसे जल्दी फैट स्टोर होता है, और फिर आपके इस बैली के ऊपर फैट डिपॉजिट होने लगता है। तो धीरे धीरे करके आपके बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो ऊपर जाता रहता है, आपके बॉडी में ज़्यादा फैट स्टोर होने लगता है अगर आप एक महीने तक जिम नहीं जाते हैं तो। अब आता है हमारा 8th पॉइंट, जो है विलिंगनेस टू ट्रेन। अब क्या होता है, अगर आप एक महीने तक जिम नहीं जाते हैं तो वापस जब आप जाना शुरू करते हैं तो आपका मन नहीं लगता, आपका जिम जाने का ही मन नहीं करता, आप बहुत सुस्त महसूस करते हैं, लेजी महसूस करते हैं, लेथार्जिक महसूस करते हैं, एक जो मोमेंटम होता है ना वो ब्रेक हो जाता है, और जब जब मोमेंटम ब्रेक होता है तो वापस उसको रिज्यूम करने में टाइम लगता है। जैसे कि आपकी गाड़ी चल रही है, बंद हो गई, तो वापस से गाड़ी को स्टार्ट करना, फिर स्पीड पकड़ना टाइम लगता है ना, तो उसी तरह हमारे बॉडी के साथ भी होता है, हमारे मन के साथ भी होता है। और यह इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी बॉडी में एक एड्रेनालिन हार्मोन होता है वह ड्रॉप हो जाता है, अगर आप जिम नहीं जाते हैं कंटिन्यूस, आपने गैप कर दिया, तो ये जो आपका हार्मोन है एड्रेनालिन हार्मोन है वो नीचे आता रहता है, जिस कारण आपका जो एक एक्साइटमेंट होती है जब आप जिम मारते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, वो नहीं आ पाती अंदर से, इस कारण आपका जिम में मन नहीं लगता फिर। सो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अगर आप एक महीने तक जिम नहीं जाते तो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपके जो बॉडी के फिटनेस कंपोनेंट्स हैं उनके साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने मसल मास को प्रिजर्व करें अगर आप एक महीने तक जिम नहीं जाते हैं या लंबे समय तक जिम नहीं जाते, तो इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।